Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Moni and I love sharing my passion for art and creativity. तो आज मुझे ये पुराना सा ट्रे मिला एंड इसका कोई यूज नहीं है, ये ऐसे फालतू में पड़ा हुआ था. ये मुझे मिल चुका है एंड आज की इस वीडियो में हम इसी पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाने वाले हैं. तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, इफ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट. तो ये ले लिया है मैंने पुराना सा ट्रे और ये देखने में काफ़ी बोरिंग लग रहा है, मुझसे तो नहीं देखा गया, इसलिए मैं इस पे करने वाली हूँ पेंट. इस पे मुझे पेंट तो करना ही था बट ये सोचने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा कि मैं इस पे बनाऊँ क्या. तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस पे गणेश जी को बनाऊँ. हमारी मेन पेंटिंग ख़राब ना हो इसलिए मैं पहले पेंसिल से ड्रॉ कर ले रही हूँ. तो यहाँ पर मैंने सिंपल सी ड्राइंग को ड्रॉ कर लिया है. तो अब हम शुरू करेंगे पेंट करना. मैंने यहाँ पर दो कलर ले लिए हैं, रेड एंड येलो. इसको मिक्स करके हम सबसे पहले गणेश जी की स्किन को कलर करेंगे. यहाँ ना मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट पेंट करना शुरू कर दिया. पहले मुझे इसको वाइट से कलर करना था बट कोई ना, अब से हम पहले वाइट से कलर करेंगे देन उसके ऊपर पेंट करेंगे. क्योंकि अगर मैं इस पे वाइट नहीं पेंट करूँगी तो इस पे अच्छे से कलर अप्लाई हो ही नहीं पा रहा है, इसलिए हमको वाइट पेंट करना ज़रूरी है. तो अब मैंने वाइट कलर ले लिया है और इसे हम गणेश जी की आँख, तिलक और इनके दांत बना देंगे. उसके बाद हम ब्लैक कलर से इसमें डिटेलिंग कर देंगे. एंड क्या आप सभी ने कभी ऐसा कुछ ट्राई किया है, I mean, किसी चीज़ पे पेंटिंग वगैरह की है? सो लेट मी नो इन द कमेंट्स. सो यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत डिटेलिंग वगैरह भी कर ले रही हूँ और अब बारी है गणेश जी की पगड़ी को बनाने की, पगड़ी को कलर करने की. तो इसको मैंने सोचा है कि मैं इसको रेड कलर से पेंट करूँगी. तो जैसा कि आपने देखा, पहले मैंने वाइट से पेंट कर दिया और अब मैं रेड कलर से पेंट कर रही हूँ. बारी है ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग करने की. तो फटाफट से आउटलाइनिंग कर देते हैं. तो बस इतना करने के बाद हमने गणेश जी का फेस तो कंप्लीट कर ही लिया है. एंड यहाँ पर मैंने फिर से एक गलती कर दी. पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में लेट में आइडियाज़ आ रहे हैं. अब मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं इस पे क्ले से आउटलाइनिंग कर दूँ, क्योंकि जब क्ले से आउटलाइनिंग हो जाएगी तो ये थोड़ा मतलब 3D इफेक्ट देगा एंड काफ़ी अच्छा लगेगा. बट यही पहले मेरे दिमाग में आ जाता तो थोड़ा दिक्कत कम होती, बट कोई ना, हम इसको भी कर लेंगे. तो फिर से अपने प्रोसेस पे आते हैं और मैंने यहाँ पर मोल्डेड क्ले लिया है और दोनों कंपोनेंट को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर इसको क्ले को किनारे किनारे लगा दूँगी. पूरी आउटलाइनिंग हमने कर ली तो अब बारी है बैकग्राउंड को कलर करने की. तो सबसे पहले हम जैसो का एक कोड लगाएंगे और जैसो का कोड लगाते लगाते मैं ये सोच रही हूँ कि बैकग्राउंड में कौन सा कलर किया जाए जो अच्छा लगे. तो मैंने काफ़ी सोचने के बाद डिसाइड किया है कि क्यों ना स्काई ब्लू किया जाए, शायद अच्छा लगेगा. तो चलो स्काई ब्लू करके देखते हैं. तो शायद स्काई ब्लू सही लग रहा है देखने में, आपको क्या लगता है कमेंट में जल्दी बताओ. तो चलो इसको स्काई ब्लू से ही पूरा कलर करते हैं. बैकग्राउंड को पूरा कलर करने के बाद अब मैं ब्लू कलर से आउटलाइनिंग कर दे रही हूँ. ब्लू कलर से आउटलाइनिंग करने के बाद जो हमने ये क्ले लगाए हैं उसको मैं ब्लैक कलर से कलर कर दे रही हूँ. जैसा कि हमने क्ले से आउटलाइनिंग बाद में की तो वैसे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है इसको पेंट करने में. तो
यहाँ पर जो किनारे किनारे बॉर्डर पे ये पैटर्न बने हुए हैं ये देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर थोड़ा सा और फोकस बढ़ा दिया जाए और मैं इसको ब्लैक कलर से पेंट करने वाली हूँ। बस जैसे जैसे इसमें फूल पत्तियाँ बनी हुई थी मैंने उसके ऊपर ब्लैक कलर से पेंट कर दिया और ये देखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। वाओ, ये सच्ची बता रही हूँ, ये बॉर्डर देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे थे। तो हमने इसको तो पूरा कर लिया है, अब हो जाए थोड़ा मिरर वर्क। तो मैंने कुछ इस शेप के मिरर ले लिए हैं, तो चलो इसको खोल लेते हैं। और मैंने सोचा है कि मैं इस मिरर को कॉर्नर पे लगाऊंगी तो काफ़ी अच्छा लगेगा, तो चलो जल्दी से लगाते हैं। यहाँ पर मैं ये ग्लू यूज़ कर रही हूँ मिरर को चिपकाने के लिए, आप कोई सा भी ग्लू यूज़ कर सकते हो। खैर, ये मिरर के साथ मुझे ग्लू मिला था। तो यहाँ कॉर्नर पे मैं मिरर को कुछ इस पैटर्न में चिपका दे रही हूँ, थोड़ा ये फ्लावर का लुक दे रहा है। तो बस मिरर को चिपकाने के बाद हमारा ये हमारा ये यूनिक सा आर्ट पूरा हो चुका है। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।